नमस्कार दोस्तों, आप सभी का होम रेसिपी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं शादी वाली आलू की ड्राई सब्जी, जिसे कि आप कम से कम समय में बना के लंच डिनर में या टिफिन में ले जा सकते हो। तो फिर चले बनाना शुरू करें। वीडियो की शुरुआत में हम सबसे पहले पैन में 2 चम्मच तेल डालकर गरम करके लेंगे, और जैसे ही तेल गरम हो जाए पहले डालना है 2 पिंच हींग और साथ में डालना है 1/2 चम्मच राई। अब डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। राई जीरा चटकने के बाद डालते हैं बारीक कटा हुआ 1 बड़ा सा प्याज। अब बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्ची डालकर 6 से 7 कड़ी पत्ते डालेंगे, और बाद में इन सबको भून कर लेना है। तो हमें इन्हें ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, बल्कि प्याज हल्का सा सॉफ्ट होने तक चम्मच चलाएंगे, और जैसे ही प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तब डालना है 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। पेस्ट डालने के बाद हमें प्याज को हल्का सा सुनहरा कलर आने तक इन सबको एक साथ भून कर लेना है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ 1 बड़ा टमाटर। टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक इन्हें भून कर लेते हैं। तो फ्लेम को मीडियम रखकर टमाटर सॉफ्ट होने तक चम्मच चलाते रहिए। आप देख सकते हो कि टमाटर सॉफ्ट हुआ है। तो अभी इसमें डालते हैं कुछ ड्राई मसाले, जिसमें है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। तो मिर्ची आप तीखा कम या ज़्यादा कैसे खाना पसंद करते हो, उस हिसाब से मिर्ची पाउडर डालिए। अब स्वादानुसार नमक डालकर 2 पिंच हल्दी पाउडर डालेंगे, और बाद में इन मसालों को भी कुछ सेकंड तक भून कर लेंगे। तो फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखकर चम्मच चलाते हैं, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब इसमें डालना है लगभग 1/2 कप पानी, और पानी डालने के बाद थोड़ा चम्मच चला के गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर इसे कवर करके 1/2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 1/2 मिनट के बाद ढक्कन को हटाकर चम्मच चला के हमें इसमें ऐड करना है आलू। तो ये मैंने मीडियम साइज के 3 आलू को बॉईल करके इस तरह के क्यूब्स में काट कर लिया है। अभी इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि ये सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डालकर फिर से इसे मिलाएंगे। तो इस तरह की सब्जी बना के आप रोटी चपाती या चावल के साथ साइड डिश की तरह खा सकते हो, या फिर टिफिन में भी ले जा सकते हो। अभी इसे कुछ सेकंड तक ढक कर रखेंगे। अभी ढक्कन को हटाकर लास्ट में धनिया पत्ता डाल के मिक्स करिए, और बाद में आप रोटी चपाती के साथ परोसिए, यानी कि हमारी ये आलू की ड्राई सब्जी बन के तैयार है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।